रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने शक्ति प्रदर्शन कर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित तमाम भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर से रायपुर कलेक्ट्रेट तक धूमधाम से रैली निकाली गई और इस दौरान बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। वहीं इस मौके पर सीएम साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी जीतेंगे। सभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए हैं। हमारे देश के सम्मान्य हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण और हमारे संगठन के वरिष्ठों के सबके उपस्थिति में नामांकन दाखिल किए हैं। क्या लगता है सर, पूरा इतना सब दमखम, कांग्रेस कह रही है कि इतना दमखम दिखाने से भी कोई फायदा नहीं होगा? दमखम कहाँ दिखा रहे हैं, अपनी मजबूती दिखा रहे हैं और सीट तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो अभी सांसद हैं, 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और हम लोगों का जो विकास का काम है भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का, और जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, हमारे प्रत्याशी सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। निश्चित रूप से भारी मतों से रायपुर दक्षिण की सीट को भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर की।